आज हम 12th क्लास के मैथ्स के टॉपिक पर टॉप मैथ्स में कि मैट्रिक्स टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम कक्षा 12वीं के जो विद्यार्थी हैं उनको सिलेबस के विषय में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। देखिए कक्षा 12th मैथ्स का जो पेपर होता है वो 80 मार्क्स का होगा, ठीक है। उसमें यूनिट्स हैं 6, उसमें जो फर्स्ट यूनिट है वो है संयुक्त फलन की। संयुक्त फलन में दो एक्सरसाइज है आपके, एक्सरसाइज फर्स्ट और सेकंड। इनकी जो मार्किंग है वो है 7 मार्क्स की, ठीक है, यानी कि 7 अंक की, ठीक है। इसके बाद दूसरी जो यूनिट है वो है एलजेब्रा यानी कि बीजगणित। इसमें आपकी जो यूनिट आएगी वो आएगी 3, 4 और 5, जो ये होगी आपकी 10 मार्क्स की होगी। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड जो यूनिट होगी वो होगी कलन। कलन में आपके एक्सरसाइज 6 यानी कि अवकलनीयता सांतत्य, फिर अवकलन, फिर इसके बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी कि अवकलन, समाकलन, अवकलन समीकरण, अवकलन के प्रयोग अनुप्रयोग और समाकलन के अनुप्रयोग, और ये सारी एक्सरसाइज मिला के होती है आपकी 38 मार्क्स की, जो कि सबसे ज्यादा है। 38 मार्क्स इट मीन्स लगभग 50%। इसके बाद जो फोर्थ एक्सरसाइज आएगी वो होगी सदिश व त्रिविम यानी कि इसमें आएगी त्रिविम, इसमें आपके एक्सरसाइज आएगी 13 और 14, ठीक है। कौन कौन सी इसमें सदिश त्रिविम में यानी कि ठीक है त्रिविम में, तो इसमें आएगी 13 और 14। जो 13 और 14 है ये होगी 14 मार्क्स की यानी कि 14 नंबर की। इसके बाद आपकी जो पांचवी यूनिट है वो है आपकी इसमें एलएलपी रैखिक प्रोग्रामन। रैखिक प्रोग्रामन यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलएलपी लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम। ये होती है आपकी एक्सरसाइज 15 और ये होगी आपकी 4 मार्क्स की, ठीक है। और लास्ट आपकी आएगी 6 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। 6 यूनिट है वो है प्रायिकता, जिसमें आएगी एक्सरसाइज 16 जो होगी आपकी 7 मार्क्स की, ठीक है। तो ये आपके पैटर्न पेपर रहेगा और ये टोटल होगी 80 मार्क्स, ठीक है। तो इसमें हम देखिए पहली जो संयुक्त फलन है यानी कॉम्बिनेशन फंक्शन है, जिसमें पहली और दूसरी, पहली एक्सरसाइज आपकी फलन की रहेगी, दूसरी जो एक्सरसाइज रहेगी वो आपकी प्रतिलोम फलन की रहेगी यानी कि इनवर्स फंक्शन की रहेगी। दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे 7 मार्क्स की। ये 3 नंबर की ये होती है, 4 नंबर की यानी कि 3+4 का रेशियो रहेगा। इसी के बाद एलजेब्रा की बात करते हैं 3, 4, 5, इसमें 3 एक्सरसाइज है कितने मार्क्स की है 10 मार्क्स की। इसके बाद हम बात करते हैं कलन की। कलन में हम अवकलन, समाकलन, अवकलनीयता, सांतत्य के विषय में और उनसे संबंधित जो भी समीकरण और उनकी जो अनुप्रयोग है उनके विषय में डिस्कस करेंगे। तो ये आपकी जो होगी वो कितनी होगी 38 मार्क्स की, यानी कि सबसे ओवरऑल एवरेज जो मार्क्स है सबसे ज्यादा वो आपके थर्ड यूनिट से है। थर्ड यूनिट में आपके पास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है जो है 38 मार्क्स, यानी कि अगर आप जनरली देखें तो 80 में से 38 नंबर की जो एक्सरसाइज है केवल थर्ड यूनिट है, तो यानी कि लगभग 50% जो कवर करेगी वो ये करेगी। इसके बाद हम देखते हैं सदिश त्रिविम यानी कि इसमें आएगी सदिश और कोऑर्डिनेट समतल और उसके रेखा के बारे में हम बात करेंगे, समतल रेखा इनके मध्य उसके बाद बात करेंगे यानी कोऑर्डिनेट की। तो इसमें 13 और 14 एक्सरसाइज जिसमें क्या आ जाएगा 14 नंबर की एक्सरसाइज है।
इसके बाद हम बात करते हैं रैखिक प्रोग्रामन। रैखिक प्रोग्राम यानी कि LLP, इसमें एक एक्सरसाइज आएगी जिसमें क्वेश्चन पूछे, इसमें एक एक्सरसाइज है, क्वेश्चन दो है, एक एक नंबर का और एक तीन नंबर का, यानी कि कुल मिला के चार नंबर की और प्रायिकता होगी जो आपकी होगी सात नंबर की, यानी कि यहाँ से भी दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक एक नंबर का और एक छह नंबर का, यानी कि मोस्टली जो क्वेश्चन आएगा वो यहाँ से और यहाँ से, मोस्टली जो क्वेश्चन है ये छोटा क्वेश्चन यहाँ से है, छोटा क्वेश्चन यहाँ से और ये यहाँ से भी छोटा है और यहाँ से बड़े क्वेश्चन आएंगे। इट मीन्स अगर देखा जाए तो सेक्शन डी के लिए एक तो ये एक्सरसाइज है, एक ये एक्सरसाइज है और एक ये एक्सरसाइज है, तो इसमें से बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे यानी कि सेक्शन डी के लिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आज हम जो स्टार्ट करते हैं वो पोर्शन स्टार्ट करते हैं एलजेब्रा से। तो यानी कि हम जो यूनिट ले रहे हैं वो एलजेब्रा की यूनिट ले रहे हैं, जिसके विषय में हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था, जिसमें हम बात करेंगे मैट्रिक्स की, जिसमें हम बात करेंगे सारणिक की, डिटरमिनेंट जिसे हम बोलते हैं, मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह, और इसमें हम आ जाएंगे, इसकी हम बात करेंगे। तो इसके हम बात करेंगे तो ये होता है डिटरमिनेंट यानी कि सारणिक। पांचवी एक्सरसाइज में इनसे जो रिलेटेड नियम्स हैं उनके ऊपर, जिसमें हम ए इनवर्स यानी कि व्युत्क्रम सारणिक निकालना सीखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए यानी कि उसका हम सरखंड और वो निकालना सीखेंगे, और इस पर विशेष नियम लगता है, तो इस नियम को एक बारे में हम पढ़ेंगे, जिसे हम एक नियम होता है जिसे हम जनरली हम क्रेमर का नियम बोलते हैं, तो क्रेमर के नियम द्वारा भी हम इसमें से इसका भी अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आज चलते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं एलजेब्रा का फर्स्ट पोर्शन की बात करेंगे। तो एलजेब्रा यानी कि दूसरी जो यूनिट है उसके विषय में हम पढ़ेंगे। तो दूसरी यूनिट में सबसे पहले हम बात करते हैं, तो देखो ये दूसरी यूनिट में सबसे पहले है तीसरी प्रश्नावली, एक्सरसाइज जो थ्री है उसकी हम बात करते हैं। उस एक्सरसाइज थ्री में है आव्यूह, आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसको हम जनरली लिख देते हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स है क्या, सबसे पहले मैट्रिक्स कहां से आई, कैसे आई, तो एक वैज्ञानिक थे ऑर्थर केली, ऑर्थर केली नाम के एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1857 में कुछ समीकरणों के विषय में डिस्कस कर रहे थे, यानी कि समीकरणों को सॉल्व कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उसको एक विशेष क्रम में जमाया तो एक नई स्ट्रक्चर यानी कि नई संरचना प्राप्त हुई, जिन्हें इन्होंने एक नाम दिया जिसे हम मैट्रिक्स या आव्यूह बोलते हैं। जनरली जैसे मान लीजिए दो समीकरण सॉल्व कर रहे हैं 3x प्लस के 4y और प्लस के 5, यहां लेते हैं 2x प्लस के 3y और प्लस के 4, और इसी प्रकार एक और ले लेते हैं 4x और प्लस के 2y प्लस के 3, इस प्रकार से, और ये समीकरण हैं। जब इनको सॉल्व कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि यदि मैं इसको एक स्ट्रक्चर के रूप में लिखूं, यानी कि अगर आप अगर इसको लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते 3 4, ठीक है, और यहां से 2 3 4 2, और ये ठीक है। तो इस प्रकार से है ना, ये यहां पर इसी को इस क्रम में हम यहां पर जमा देंगे एक्स वाई, उसके रूप में यहां पर जेड लगा देते हैं, सॉरी जेड आएगा, और यहां पर डिजिट्स ले लेते हैं जैसे 6 7 8। तो इन्होंने क्या किया, इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया, ठीक है, एक मिनट, तो इसको इधर नोट कर लेते हैं। तो देखिए उन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया उसमें ये बनाया 3 4 5 2 3 4 और 4 2 और 3, और यहां पर जो इसका स्ट्रक्चर है एक्स वाई और जेड इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया, और जो डिजिट है उनको इस प्रकार से लिख दिया 6 7 8, यानी कि इस स्ट्रक्चर को हमने एक इस स्ट्रक्चर के रूप में लिखा। कैसे लिखा, यानी कि जब हम लिखेंगे तो 3 को एक्स से करेंगे तो क्या बन जाएगा 3x, 4 को, अब देखो इसमें चलना कैसे है, पहले इसको ऐसे रोटेट करेंगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, ठीक है। तो 3 को हमने x से किया 3x, इसको इससे किया 4y, इसको इससे किया 5z, तो यहां से एक समीकरण बन रहा है आपके पास 3x प्लस 4y प्लस के 5z और इक्वल में क्या है 6। इसी तरह आगे चलते हैं तो 2 को x से करेंगे 2x, इसको इससे y से करेंगे 3y और इसको इससे करेंगे 4z, तो क्या बनेगा 2x 3y 4z, तो यहां पर समीकरण यही है 2x 3y 4z और इक्वल में आ जाएगा 7।
इसी तरह लास्ट में चलेंगे तो कैसे इस इक्वेशन को कैसे जमाते हैं, तो यहां से 4 को x से गए, 4x 2y 3z equal to 8, तो यहां से यही बना 4x 2y plus 3z equal to 8। तो इन्होंने इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर बनाया, तो इन्होंने इस स्ट्रक्चर को, ये एक स्ट्रक्चर बना, इसे ये भी एक स्ट्रक्चर बना और ये भी एक स्ट्रक्चर बना। तो जब वो सन 1857 में समीकरणों को सोल्व कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि इन समीकरणों को सोल्व करते समय इनको एक विशेष प्रकार के क्रम में लिखा जा सकता है, यानी कि एक विशेष संरचना के रूप में लिखा जा सकता है, और उस संरचना को इन्होंने क्या नाम दिया, मैट्रिक्स। क्या नाम दिया, मैट्रिक्स, यानी कि आवयव नाम दिया। तो अब सन उसके बाद देखिए, इन्होंने इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका बताया, उन्होंने कहा कि इसको या तो छोटे कोष्ठक में रिप्रेजेंट किया जा सकता है 3, 4 और 5, या तो ऐसे करो, या फिर आप इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3, 4 और 5, ठीक है, इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसमें अगर ऐसे हो, जैसे मान लीजिए 3, 4 और 5, और यहां मान लीजिए 2, 3 माइनस के 4, और यहां 1, 2 और 0, इस प्रकार से। अब इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले देखिए इसको लिखने का एक सीक्वेंस होता है कि जैसे मान लीजिए किसी प्लॉट की जो साइज होती है, जैसे मान लीजिए एक आयत है, तो इसकी ये लेंथ होती है और ये इसकी ब्रेथ होती है, तो जनरली हम इसको जो लिखते हैं सबसे पहले l into b के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, पहले लेंथ को लिखते हैं फिर ब्रेथ को लिखते हैं। इसी तरह मैट्रिक्स का जो क्रम होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम इसमें दो चीजें होंगी, एक तो होगी रॉ, एक होगा कॉलम। रो यानी कि इसको हम बोलेंगे पंक्ति, और एक होगा सी, कॉलम का मतलब स्तंभ। तो इसको रो इनटू सी के रूप में, यानी कि रो इनटू कॉलम के रूप में लिखेंगे, लेकिन जनरली यहां पर आर इनटू सी नहीं लिखते, ये समझने के लिए लिखा है मैंने कि सबसे पहले क्या आता है रो, फिर क्या आता है कॉलम। अब हम देखेंगे यहां पर इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो किया जाता है एम इंटू एन के रूप में, ठीक है, इसको किसके रूप में रिप्रेजेंट किया जाएगा, एम इंटू एन के रूप में। अब देखिए एम का मतलब है रो, एम का मतलब क्या है रो, और एन का मतलब क्या है कॉलम। अब आप इसका सीक्वेंस लिखना चाहते हो तो कैसे लिखेंगे, तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या बनेगा, इसको क्या लिखेंगे, देखो रो देखना है तो ऐसे देखेंगे, ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, और ये कौन सी रो, थर्ड रो, तो कितनी रो गए आपके पास 3, मल्टीप्लाई कितने कॉलम है, कॉलम नंबर फर्स्ट, कॉलम नंबर सेकंड, कॉलम नंबर थर्ड, तो कितने कॉलम हो जाएंगे 3, यानी कि ये जो मैट्रिक्स होगी उसका जो क्रम होगा वो कितना होगा 3 × 3 या 3 × 3। इसी के बाद हम इसकी बात करते हैं, तो इसमें देखिए यूं चलेंगे, पहले रो लेंगे, रो लेंगे तो 1, 2, 3, तो कितनी 3। कॉलम की बात करते हैं, कॉलम क्या है 1, ठीक है। जनरली अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो मैट्रिक्स है वो कितने क्रम की है, इसका क्रम क्या होगा, तो देखिए रो भी कितनी 1, कॉलम भी कितना 1, यानी कि 1 × 1 की क्या होगी, ये एक मैट्रिक्स होगी, 1 × 1 की मैट्रिक्स होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, तो इसको आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें तो हमारे पास कम है, अब मान लीजिए मैट्रिक्स को, जो मैट्रिक्स है उसको लिखने का क्रम है, मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स को अल्फाबेटिक, कैपिटल अल्फाबेटिक में लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई है ए बी सी और डी, और कैसे भी लिखा जा सकता है, जैसे जनरली हमने लिखा कैपिटल ए में लिखा हमने 2, 3, 4, 5, ठीक है, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी हमने लिया क्या लेंगे 1, 2, 3, यहां ले लेंगे 4, 5, 6, ऐसे ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2, 3। तो मैट्रिक्स को जब भी लिखेंगे वो अल्फाबेट, कैपिटल अल्फाबेट के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से, और इनका सीक्वेंस हमेशा, इनका जो क्रम होगा वो हमेशा यहां पर इसमें नीचे की तरफ शो करेंगे।
ठीक है, तो 2 बाई 2 की ये है और ये कितनी है 2 बाई 3 की, क्यों? क्योंकि इसमें कितने रो है, 2 रो, 2 रो है और कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है, ठीक है। तो ये इसका क्रम हुआ। अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स के प्रकार की, किसकी बात करते हैं, मैट्रिक्स के प्रकार की, ठीक है। तो मैट्रिक्स के जो प्रकार होंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं मैट्रिक्स के प्रकार, मैट्रिक्स के प्रकार। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो होगी पंक्ति मैट्रिक्स, पंक्ति मैट्रिक्स या पंक्ति आव्यूह यानी कि रॉ मैट्रिक्स, ठीक है, आव्यूह भी लिखा जा सकता है और मैट्रिक्स भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इट मींस ये होगा कि इसमें कितनी पंक्ति होनी चाहिए, कितने रो होने चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे, तो इसमें देखिए डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन में हम बात करेंगे, तो डेफिनेशंस क्या होगी कि ऐसा आव्यूह जिसमें एक पंक्ति होती है, ऐसा आव्यूह जिसमें एक पंक्ति होती है, यानी कि पंक्ति की संख्या कितनी, एक, कॉलम कितने हो सकते हैं, बहुत सारे, यानी कि हम मान लेते हैं जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और उसमें एक एक ही पंक्ति है, ठीक है। तो जैसे 3, 4 और 5, तो देखिए इसकी जो पंक्ति है वो कितनी है, 1, कॉलम कितने हैं, कॉलम इसमें कितने दिए हुए हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, यानी कि इस प्रकार की जो पंक्ति मैट्रिक्स होगी उसका जो क्रम होगा वो हो जाएगा, इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 1 × n का क्रम, किसका क्रम, 1 × n का क्रम। तो पंक्ति कितनी, 1 और कॉलम कितने, n कॉलम, ठीक है, वो डिपेंड करता है कॉलम कितने होंगे, n कॉलम होंगे। इसी के बाद तो डेफिनेशन याद रखेंगे, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या कितनी होती है, 1 और इसका जो क्रम होगा, इसका जो क्रम होगा वो क्या हो जाएगा, 1 × n का क्रम हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार की जो मैट्रिक्स होगी जैसे ये है, इसको हम पंक्ति मैट्रिक्स बोल सकते हैं क्योंकि इसमें पंक्ति की कितनी है, 1, कॉलम कितने हैं, 3, ठीक है। कॉलम का मतलब है ऐसे ऊपर से नीचे, पंक्ति का मतलब दाएं से, ये बाएं से दाएं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा है स्तंभ मैट्रिक्स, दूसरा जो होगा आपका वो होगा स्तंभ मैट्रिक्स। स्तंभ मैट्रिक्स की बात करते हैं तो स्तंभ मैट्रिक्स है, इसमें भी वही डेफिनेशन है, सेम है, थोड़ा सा चेंजेस है, यहां पंक्ति मैट्रिक्स में एक पंक्ति थी और स्तंभ मैट्रिक्स में एक स्तंभ होगा, कितने होंगे, 1। तो जैसे मान लीजिए इसमें हम बात करेंगे, जैसे मान लीजिए इसको बी मैट्रिक्स ले लेते हैं और इसमें आपने क्या ले लिया, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो पहले तो हम क्या लिखते हैं, पंक्ति, तो पंक्ति कितनी, 1, 2, 3, 4, ये हो गया ना, फर्स्ट पंक्ति, सेकंड पंक्ति, थर्ड पंक्ति, फोर्थ, तो कितनी हो गई, 4। स्तंभ कितने हैं, 1। तो अगर हम स्तंभ मैट्रिक्स की बात करेंगे तो स्तंभ मैट्रिक्स का जो क्रम होगा वो क्या हो जाएगा, स्तंभ मैट्रिक्स का जो क्रम होगा वो हो जाएगा m × 1, ठीक है। हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, जनरल एक छोटा क्वेश्चन पूछ ले कि ये स्तंभ मैट्रिक्स है, स्तंभ मैट्रिक्स का जो क्रम है वो किससे, किस प्रकार लिखा जाता है, तो m × 1, m का मतलब है पंक्ति की संख्या और n का मतलब क्या होता है, स्तंभ की संख्या। तो स्तंभ मैट्रिक्स में क्या होगा, स्तंभ कितने होंगे, 1, पंक्ति कितनी होगी, m, ठीक है। और इसी तरह आगे चलते हैं, इसी को ठीक है आगे चलते हैं। इसके बाद अगली जो आपकी मैट्रिक्स होगी, अगली मैट्रिक्स होगी आपकी शून्य मैट्रिक्स, जीरो शून्य मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन नाम से पता चल रही है, शून्य मैट्रिक्स यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव क्या हो, शून्य, क्या होने चाहिए, सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, तो उसे क्या बोलेंगे, शून्य मैट्रिक्स, क्या बोलेंगे उसे,
शून्य मैट्रिक्स, जैसे ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो और ये जीरो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम ये भी ले सकते हैं, जीरो 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 और जीरो, ठीक है। पहले हम इसका क्रम लिखेंगे, तो ये इसका क्रम क्या हो जाएगा, दो रो और दो कॉलम, टू बाय टू। इसका क्या हो जाएगा, देखो पंक्ति पहले वन टू, तो ये हो गया टू, कॉलम कितने, वन टू थ्री, तो ये जाएगा टू कोमा थ्री, क्या हो जाएगा टू कोमा थ्री। जनरली जो शून्य मैट्रिक्स होगी उसको हम जो बड़े अक्षर का जो ओ होगा बॉल्ड, जिसे बॉल्ड बोलते हैं, यानी कि गहरे ओ के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो शून्य मैट्रिक्स होगी, इसे नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, तो इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से, गहरे ओ से, ठीक है। तो ओ से हम क्या करेंगे, इसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो इसके बाद हम लेते हैं अगला जाएगा आपका वर्ग मैट्रिक्स, वर्ग मैट्रिक्स यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान हो, पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या हो, समान हो। स्क्वायर यानी कि वर्ग का मतलब ये होता है, वर्ग का मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर, ठीक है। तो चारों भुजाएं बराबर, इसी तरह मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स बनेगा, मैट्रिक्स ऐसा होना चाहिए जिसमें पंक्ति और, यानी कि क्या हो, पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान हो, यानी कि m और n क्या होने चाहिए, बराबर। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 ये लिया, तो ये स्क्वायर शेप बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, इट मींस 2 क्रॉस 2। जैसे जैसे हम ले लेते हैं इसी को, ले ले अगला एक और एग्जांपल ले ले, जैसे हमने ले लिया 1 2 3 0 -1 2 3 4 5। तो देखिए इसमें भी 3 क्रॉस 3 बन रहा है, तो सेम बन रहा है, m into n यानी कि सेम है, इधर भी सेम है। यानी कि अगर हम बात करेंगे वर्ग मैट्रिक्स की, तो वर्ग मैट्रिक्स को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, m क्रॉस n, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। ये aij क्या है, i का मतलब है रो और j का मतलब है कॉलम, ठीक है। ये एलिमेंट है, कौन से क्रम का एलिमेंट है मैं बताना भूल गया उसके लिए। तो देखिए कैसे इनको इस प्रकार से रिप्रेजेंट भी किया जाता है, देख लीजिए, यहां देख लीजिए कैसे। जैसे आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है, इसमें कितने अवयव हैं, जैसे हमने ले लिया aij, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर का, इसको जनरली जो रिप्रेजेंट करेंगे aij से, जैसे पहली पंक्ति है तो a11 a12, जैसे मान लीजिए आपके पास जो ये है 2 क्रॉस 3 की है, मान लेते हैं जो आपके पास मैट्रिक्स है वो कौन सी है, 2 क्रॉस 3, ठीक है। तो 2 क्रॉस 3 है ना, तो ये हो जाएगा a13 और यहां से हो जाएगा a21 a22 और a23, तो ये जाएगा 2 क्रॉस 3, ठीक है। तो इन सबको शो करने के लिए हम जो इसका जो नॉमिनेशन करते हैं वो इस प्रकार से करते हैं aij, ठीक है। i की वैल्यू कितनी है आपके पास, i की वैल्यू 2, तो देखिए i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो हो जाएगी आपकी वो इस प्रकार। अब देखिए जबकि हम पढ़ रहे हैं कौन सी, वर्ग मैट्रिक्स, तो वर्ग मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो अवयवों की संख्या होगी वो क्या होगी, मतलब पंक्ति और कॉलम की जो संख्या होगी वो क्या होगी, बराबर। तो यानी कि a31 a32 और a33, तो ये हो जाएगी आपकी 3x3 की मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हो जाएगी, यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें तो a बराबर जो वर्ग मैट्रिक्स बनेगा वो aij और इसके साथ m into m, ये दोनों क्या होना चाहिए, पंक्ति और स्तंभ क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। आगे हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए
विकर्ण मैट्रिक्स की हम बात करेंगे, विकर्ण मैट्रिक्स की बात करते हैं तो विकर्ण मैट्रिक्स यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, विकर्ण अवयव या डायगोनल मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स इसकी बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि वह वर्ग अवयव, वह वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, क्या हो, सभी अवयव शून्य हो। अब देखिए हम लेते हैं, देखो डेफिनेशन में क्या कहा गया है कि वह अवयव या वह मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, यानी कि वर्ग मैट्रिक्स होना चाहिए, 2x2 की होनी चाहिए, 3x3 की होनी चाहिए, तो हम ले लेते हैं 3x3 के मैट्रिक्स ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमने ले लिया 1, 2 और 3 मुख्य विकर्ण हो गया, और इसके अलावा जो भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, शून्य, क्या होंगे, शून्य। देख लो ये जो मेन डायगोनल है वो इस प्रकार से है, वर्ग मैट्रिक्स है, क्यों, 3x3 है, यानी कि m इंटू m का क्रम बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, m इंटू m का क्रम बनेगा, और इसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव क्या होने चाहिए, 0। आप इसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी, 1, 0, 0 और 2, तो ये जाएगा 2x2 की वर्ग मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। और इसी का एक अन्य प्रकार है, जब हम बात करेंगे आगे चलते हैं तो आपके पास आएगी अदिश मैट्रिक्स, क्या आएगी, अदिश मैट्रिक्स, अदिश मैट्रिक्स होगी, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं इसे। इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये डेफिनेशन में, वह विकर्ण मैट्रिक्स। अब देखिए यहां हमने बात करी तो वर्ग मैट्रिक्स ऐसा अवयव यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या हो, समान हो, तो वो क्या कहलाएगा, वर्ग मैट्रिक्स। इसी के बाद हम इसमें चले तो इसकी डेफिनेशन इसी से बनी, तो वह विकर्ण मैट्रिक्स की परिभाषा क्या बनी, विकर्ण मैट्रिक्स की जो परिभाषा थी उसमें कहा गया कि ऐसा वर्ग मैट्रिक्स यानी कि ये इससे लिंक है, तो ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। अब आप बात करेंगे अदिश मैट्रिक्स की तो इसकी डेफिनेशन इससे बनेगी कि ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के यानी कि ऐसा विकर्ण यानी कि ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य अवयव के सभी मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होना चाहिए, समान। तो देखिए दोनों में कॉमन सा डिफरेंस समझते हैं, मैं यहां पर एक और ये बना रहा हूं मैट्रिक्स, देखिए तो ये हो गया एक और मैट्रिक्स बनाया मैंने 2 0 0, फिर 0 2 0, और यहां पर हम इसको आगे बढ़ाते हैं 0 0 और 2, तो ये भी हो गया 3x3 का। अब देखिए इसमें भी मुख्य विकर्ण बनाया हमने इस प्रकार से, इसमें देखो मुख्य विकर्ण के जो अवयव है वो क्या है, 1 2 और 3। अगर इसमें मुख्य विकर्ण के अवयव अलग अलग हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, विकर्ण मैट्रिक्स, क्या बोलेंगे इसको, विकर्ण मैट्रिक्स। यदि मुख्य विकर्ण के सभी अवयव, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक समान हो या एक जैसे हो तो उसको बोलेंगे अदिश मैट्रिक्स यानी कि स्केलर मैट्रिक्स, क्या बोलेंगे इसको, स्केलर मैट्रिक्स यानी कि अदिश मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये हुई, इन तीनों की डेफिनेशन एक जैसे हैं, वर्ग मैट्रिक्स, विकर्ण मैट्रिक्स और अदिश मैट्रिक्स। तो वर्ग मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति और कॉलम की संख्या समान हो, विकर्ण मैट्रिक्स यानी कि वह वर्ग मैट्रिक्स। के आगे हम चलते हैं तो आगे आएगा इकाई मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स। तो इकाई मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई हो,
शेष सभी अवयव क्या होने चाहिए? जीरो। तो देखिए जैसे हमने एक मैट्रिक्स लिया, इसका मुख्य विकर्ण है 1 1 1, इसका अवयव 0 0 0 0 0 0। तो ये जो मैट्रिक्स है देखिए, इसमें जो मेन यानी कि मेन डायगोनल है, मुख्य विकर्ण है, इसके जो सभी अवयव हैं वो क्या है? इकाई। तो इकाई है और बाकी सभी अवयव क्या है? जीरो। इसलिए इसको हम बोलेंगे इकाई मैट्रिक्स। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसीलिए इस मैट्रिक्स को हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल आई से। तो ऐसा वर्ग मैट्रिक्स बोल सकते हैं आप, या है ना, तो ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो? इकाई हो, तो वो क्या कहलाएगा? इकाई मैट्रिक्स कहलाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं, अगला जो मैट्रिक्स लेंगे वो लेंगे हम त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, त्रिभुजाकार मैट्रिक्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो जाएगा ऊपरी और एक हो जाएगा निम्न। इसमें भी दो टाइप्स होते हैं, इसमें हो जाएगा एक तो ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, और अगला हो जाएगा निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखिए ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स और निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, तो जनरली इसमें जब भी हम कोई मैट्रिक्स बनाएंगे तो एक त्रिभुज बनेगा, ठीक है। अब ऊपरी त्रिभुजाकार है इसलिए मैट्रिक्स जो बनेगा वो ऊपर, यानी कि त्रिभुज जो बनेगा वो ऊपर की तरफ बनेगा, और निम्न त्रिभुजाकार में उसमें कहां बनेगा? नीचे। जैसे हमने एक मैट्रिक्स लिया, जैसे ये लिया 1 2 3, यहां ले लिया 0, यहां ले लिया 4, यहां ले लिया -1, 0 0, और यहां ले लिया 2। तो ये इस प्रकार का मैट्रिक्स देखिए जिसमें हम देख रहे हैं ये एक त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज कहां बन रहा है? ऊपर की तरफ। जनरली अगर देखो, जैसे देखिए इसमें हम बना रहे हैं, जैसे मैं शैडो बनाता हूं इसकी, छोटी सी एक शैडो, तो जनरली आप देखें तो देखिए ये इस प्रकार से इसमें एक त्रिभुज जैसा शेप बना हुआ है, ये देखो, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? ते ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के जो अवयव हैं वो क्या हो जाए? शून्य, ठीक है। ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के जो अवयव हैं क्या होने चाहिए? शून्य, और ऊपर के अवयव कुछ होने चाहिए। तो यानी कि जिसमें ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के जो अवयव हैं वो क्या होने चाहिए? शून्य, ठीक है। अदिश मैट्रिक्स अदिश भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा अदिश मैट्रिक्स है ना, क्योंकि इसमें सभी अवयव अलग अलग है इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? अदिश। वर्ग मैट्रिक्स भी बोला जा सकता है क्योंकि है ना। तो इसी तरह निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स की हम बात करेंगे तो इसमें क्या होगा? मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव क्या होंगे? 0 1 0 0 2 3, और यहां पर 0, यहां पर हो जाएगा 4 5, और यहां हो जाएगा 6। तो देखिए अब इसमें देखिए ये मुख्य विकर्ण है तो इसमें एक नीचे त्रिभुज बना हुआ है जबकि ऊपर नहीं बन रहा। तो ऐसा अदिश मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के जो अवयव हैं वो क्या होंगे? शून्य। तो ऐसा वर्ग मैट्रिक्स है वो क्या कहलाएगा? निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, क्योंकि निम्न का मतलब होता है नीचे की तरफ, तो इसमें नीचे की तरफ जो अवयव हैं वो 0 नहीं होने चाहिए, मुख्य विकर्ण के ऊपर के होंगे। तो क्या हो जाएगा? निम्न। यानी कि आपको तो ये याद रखना है मैट्रिक्स किस दिशा में बन रहा है। जैसे इसमें त्रिभुज जो बन रहा है वो कहां बन रहा है? मुख्य विकर्ण के ऊपर की तरफ, और इसमें मुख्य विकर्ण के नीचे की तरफ। तो आपको इतना सा याद रखना है। तो त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है वो दो टाइप का होगा, जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर यदि मैट्रिक्स बन रहा है तो वो जाएगा ऊपरी, और जिसमें नीचे की तरफ बनेगा
वो जाएगा निम्न। डेफिनेशन जो लिखेंगे उसमें लिखेंगे कि ऐसा अदिश मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव क्या हो, जीरो, तो वो क्या कहलाएगा, ऊपरी। और इसमें बोलेंगे ऐसा अदिश मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव जीरो हो, तो उसे क्या बोलेंगे, निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे चलेंगे। अब इनके गुणधर्म की हम बात करते हैं, मैट्रिक्स के गुणधर्म की हम बात करेंगे, जल्दी थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। तो देखिए मैट्रिक्स के गुणधर्म की हम चर्चा कर रहे हैं, तो मैट्रिक्स में सबसे पहले हम मैट्रिक्स के गुणधर्म पढ़ते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स या अवयव के गुणधर्म, मैट्रिक्स के गुणधर्म, मैट्रिक्स के गुणधर्म में सबसे पहले हम लेते हैं परिवर्त मैट्रिक्स या परिवर्त अवयव, अवयव भी बोला जा सकता है या मैट्रिक्स भी। ठीक है, तो परिवर्त मैट्रिक्स, ठीक है, इसको परिवर्त मैट्रिक्स यानी कि इसको बोलते हैं ट्रांसपोज, क्या बोलेंगे इसको, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलते हैं। होता क्या है, इसके डेफिनेशन क्या है, इसमें क्या करना है, आपको कोई भी मैट्रिक्स दिया जाए, जैसे मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें आपको दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8, 9 कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा वो क्या बनेगा, तो डेफिनेशन है कि ऐसा अवयव या ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति और स्तंभ को आपस में बदल दिया जाए, यानी कि जो पंक्ति होगी उसको तो किसमें बदल देंगे, स्तंभ में, और स्तंभ को किसमें बदल देंगे, पंक्ति में। अब देखिए इसको जनरली ए डैश या ए का ट्रांसपोज भी बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यानी कि ए का ट्रांसपोज यानी कि ए टी। तो अब कैसे करते हैं, हम चलते हैं यहां से, इसको इसको किस में बदल दो, इसको हम, ये रो है, रो को किस में चेंज कर दो, कॉलम में, 1, 2, 3 इसको चेंज करेंगे 4, 5 और 6 इसको लेंगे 7, 8 और 9। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है ए, तो ये इसका क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इसका ट्रांसपोज कहलाएगा। आपको क्या करना है, पंक्ति को कॉलम में या कॉलम को पंक्ति में चेंज कर दो। ठीक है, तो ये इसका क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज कहलाएगा, जिसे ए का ट्रांसपोज या ए डैश बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसी के बाद इसको हमने दो दो प्रकार से प्रदर्शित कर दिया, यानी कि इसको हम एक और बोल सकते हैं सममित मैट्रिक्स और विषम सममित मैट्रिक्स, सममित मैट्रिक्स और विषम सममित मैट्रिक्स। अब सममित मैट्रिक्स और विषम सममित मैट्रिक्स क्या हो जाएगा आपका, देखिए अगर आपने किसी मैट्रिक्स में चेंज किया, मतलब जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स हम यहां पर लेते हैं, ठीक है, तो यहां पर हम इसके विषय में चर्चा कर रहे हैं, तो सममित मैट्रिक्स और विषम सममित मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं 2, -3, -3 और 4। तो हमने ये मैट्रिक्स लिया, इसको हमने नाम दिया ए। ठीक है, क्या नाम दिया हमने इसने, इसे ए नाम दिया। तो ए मैट्रिक्स आपके पास क्या है, 2, -3, -3 और 4। अब मैं क्या करता हूं, इसका ट्रांसपोज निकालता हूं। ठीक है, इसका क्या निकाल रहा हूं, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज में निकालते क्या करते हैं, रो को किस में चेंज कर दो, कॉलम में। तो हमने क्या किया, रो है आपके 2, 3, तो ये 2 और ये हो गया -3। फिर नीचे वाली क्या है, -3 और यहां पर क्या आ जाएगा, 4। यदि आपने ऐसा किया, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला और वो भी वही मैट्रिक्स आ जाए, तो वो उसका क्या कहलाएगा, सममित मैट्रिक्स। तो यानी कि सममित मैट्रिक्स, ए सममित मैट्रिक्स कहलाएगा, ए सममित मैट्रिक्स या अवयव कहलाता है। कब कहलाएगा, जब ए
किसके बराबर, उसके ट्रांसपोज के बराबर होगा, यानी कि जो सममित मैट्रिक्स ये है कि जो ए मैट्रिक्स है उसका जो ट्रांसपोज होगा, परिवर्त मैट्रिक्स होगा, वो दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। यदि ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा होगा तो वो क्या कहलाएंगे, सममित मैट्रिक्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सममित मैट्रिक्स कहलाएंगे। विशेष सममित मैट्रिक्स में क्या होगा, अब देखिए ये सममित मैट्रिक्स हो गया, कंडीशंस होगी कि ए का ट्रांसपोज किसके बराबर होना चाहिए, ए के बराबर। अब विषम सममित जो मैट्रिक्स होगा उसके लिए देखिए, ठीक है, तो ये समझ में आ गया, दोबारा समझ लेते हैं। सममित मैट्रिक्स क्या, किसे कहते हैं, सममित मैट्रिक्स, आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, आप उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, जब उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो उसका ट्रांसपोज यदि उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है, यानी कि ए का ट्रांसपोज किसके बराबर, ए के बराबर, तो वो क्या कहलाएगा, सममित मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सममित मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी के बाद हम बात करते हैं विषम सममित मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं, एक एग्जांपल है 0 माइनस 2, 2 और 0, ठीक है, हमने एक एग्जांपल लिया, ठीक है, क्या लिया हमने, एक एग्जांपल लिया, जिसे भी हम जनरली नाम दे देते हैं ए, ठीक है, तो हमने एक मैट्रिक्स लिया ए, जिसमें अवयव क्या है, 0 माइनस 2, 2 और 0, ये क्या है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। अब मैं इसका ट्रांसपोज निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं, इसका ट्रांसपोज, यदि इसका ट्रांसपोज वापस इसके बराबर आ गया तो क्या हो जाएगी, सममित मैट्रिक्स। अब हम निकाल रहे हैं इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज निकाल, तो ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या करेंगे, रो को किस में चेंज कर दो, कॉलम में, तो रो क्या है, 0 माइनस के 2, यही है, और इसको कॉलम में 2 और 0, ठीक है। अब हम एक काम देखिए, ये और ये, अब मैं इसमें से काम कर सकता हूं, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, ले सकते हैं, तो मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं तो क्या हो जाएगा, माइनस आ गया बाहर, माइनस कॉमन लेंगे ना, माइनस का मतलब है प्रत्येक अवयव में से माइनस कॉमन लेंगे, तो 0 में से कॉमन लेंगे तो 0, इसमें से लेंगे माइनस का 2, इसमें से लेंगे तो 2 और इसमें से 0, तो हम देखिए इसको जब हम लिखेंगे तो ये क्या बन गया, ये पूरा वापस देखिए क्या है, ए, इट मींस यदि ए का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के ऋणात्मक के बराबर आए तो वो क्या कहलाएगा, विषम सममित मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा, विषम सममित मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विषम सममित मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस हुई, तो इनके इन्हीं डेफिनेशंस पर हम बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चंस लेते हैं। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है आपके पास ए है, जिसमें आपको दिया हुआ है ए आई जे 2,3 का एक मैट्रिक्स है, इसमें आपको अवयवों की संख्या बतानी है। क्या बतानी है आपको, अवयवों की संख्या, ठीक है। तो इसमें अवयवों की संख्या, तो कितने रो हैं, 2, कॉलम कितने हैं, 3, कितने हैं, 3 कॉलम हैं, तो अवयवों की संख्या कैसे निकालेंगे, डायरेक्टली एक काम करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, कर सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि आपके पास रो तो कितनी है, 2, कॉलम कितने हैं, 3, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे आपके पास कुल अवयव, कितने हो जाएंगे, इसमें ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें हमने कहा अवयवों की संख्या, अब अवयवों की संख्या निकालेंगे तो अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी आपके पास, n इंटू एन, यानी कि 2 इंटू 3, यानी कि कितना, 6 अवयव हो जाएंगे आपके पास, कितने अवयव हो जाएंगे, 6 अवयव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन है, इसी के साथ ही एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक एक्स्ट्रा चीज है जो मैं बता रहा हूं आपको, मोस्टली जो है वो आईआईटी के लिए है, पूछा जा सकता है आपको कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए आपसे कहा 1, 2,
तीन चार पांच छः और तीन माइनस के दो और चार, ये कोई मैट्रिक्स है ए। आपको कहा गया है ट्रेस ऑफ ए याद कीजिए, ट्रेस ऑफ ए, इसको जनरली टी आर ए भी लिखते हैं, ट्रेस ऑफ ए। अब ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये आपके आईआईटी के सिलेबस में, जेईई मेन के सिलेबस में है। ट्रेस ऑफ ए क्या होता है समझ लेंगे। किसी भी मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण के जो अवयव होते हैं उनका जो बीजगणितीय योग होता है वो क्या कहलाता है, उसका ट्रेस कहलाता है। क्या? मुख्य विकर्ण के, मुख्य विकर्ण के सभी अवयवों का, सभी अवयवों का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग, तो वो आपका क्या कहलाएगा, बीजगणितीय योग क्या कहलाएगा, आपका ट्रेस कहलाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, वन प्लस फाइव प्लस फोर कितना हो जाएगा, टेन। तो इसका ट्रेस कितना हो जाएगा, टेन। कितना हो जाएगा, टेन हो जाएगा, ठीक है। इसी में हम बात करते हैं, आगे हम चलते हैं समान मैट्रिक्स। समान मैट्रिक्स क्या होगी, दो मैट्रिक्स यानी कि इक्विवेलेंट मैट्रिक्स किसे बोलेंगे, यानी कि जिनकी हम तुलना करेंगे, ठीक है। पहली चीज है किसे बोलेंगे, समान कोटि की होना चाहिए, उनका जो क्रम है, ऑर्डर है, वो क्या होना चाहिए, समान। अगर देखो समान मैट्रिक्स किसे कहेंगे, यहां पर मैं बता रहा हूं इक्विवेलेंट मैट्रिक्स यानी कि समान मैट्रिक्स कब होंगे, समान मैट्रिक्स कब होंगे, ए और बी दो मैट्रिक्स है, ए और बी समान मैट्रिक्स कब कहलाएंगे, यानी कि आप ऐसे बोल सकते हैं कि ए और बी ये कब बराबर होंगे, यानी कि दो मैट्रिक्स ए और बी समान मैट्रिक्स कहलाएंगे यदि इनका क्रम, पहली चीज इनका जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, क्रम एक समान होना चाहिए। क्रम क्या होना चाहिए, एक समान, ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब जिस क्रम में हम लिखते हैं, जैसे एम एन ये है 2/3 की, तो ये भी कितनी होनी चाहिए, 2/3 की, ठीक है। तो दोनों क्या होना चाहिए, समान क्रम की होनी चाहिए। दूसरे इनमें अवयवों की संख्या भी समान होनी चाहिए, अवयवों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान। तो अवयवों की संख्या भी क्या होनी चाहिए, समान। तो मोस्टली सबसे इंपॉर्टेंट है इनका क्रम और इनकी कोटि, हाँ क्रम और कोटि क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, और अवयवों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो एक क्रम, क्रम या कोटि बोल दीजिए, तो यहां पर मैं कोटि भी लिख देता हूं, कोटि या क्रम क्या होना चाहिए, एक समान, और अवयवों की संख्या भी क्या होनी चाहिए, समान। अवयवों की संख्या भी क्या होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए, तब आप इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, समान मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समान मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हमने एक मैट्रिक्स लिया, एक दो तीन और चार, ठीक है। और इसके साथ में अब देखो जरूरी नहीं, अब ऐसा ही मैट्रिक्स अगर उधर है जिसमें एक दो तीन चार पांच छह, तो फिर यहां तो 2/2 की और 2/3 की हो, तो फिर क्रम ऑर्डर समान नहीं, तो ऑर्डर समान होना चाहिए। इधर 2/2 की है तो उधर भी क्या होनी चाहिए, बी मैट्रिक्स भी 2/2 की। अब हमने यहां पर लिया, आपको कहा है कि आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक मैट्रिक्स ए और बी समान मैट्रिक्स है, क्या है, ए और बी समान मैट्रिक्स है, ठीक है, समान मैट्रिक्स है, ठीक है। यहां पर एक क्वेश्चन नोट करते हैं, एक क्वेश्चन है, ए और बी समान मैट्रिक्स है, क्या है, समान मैट्रिक्स है, तो ठीक है समान मैट्रिक्स है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। अब आपके पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, के प्लस फोर, के प्लस फोर माइनस के वन, और उसी के साथ में आपके है तीन और के माइनस सिक्स, ठीक है। और इसी के साथ इधर जो दिया हुआ है
इधर आपको दिया हुआ है ए माइनस वन थ्री और लास्ट में दिया हुआ है आपको माइनस के फोर, ठीक है। तो आपको ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको यहां पर कहा गया है कि आपको डेफिनेशन याद रखनी, कोटि क्रम समान है। देखो इधर भी क्या है 2/2, क्या है 2/2, और इधर भी क्या है 2/2, तो ऑर्डर कोटि समान है, ऑर्डर समान है, अवयव कितने हैं 4-4, तो ये दोनों चीजें अप्लाई करने और ये दोनों समान है, तो यानी कि इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं बराबर। कैसे करेंगे, तो इस अवयव को इसके बराबर, इस अवयव को इसके बराबर, इस अवयव को इसके बराबर और इस अवयव को इसके बराबर, और इसी के आधार पर आपको क्या निकालना है, ए का मान निकालना है, ठीक है। तो आज के लिए आपका होमवर्क है, तो आपको ये करके लाना है, ठीक है। थैंक यू।